नमस्कार दोस्तों, सुमीज़ यमी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार डिनर की रेसिपी। ये झारखंड में गुरगुरुआ के नाम से जाना जाता है। इसे हम दाल और चावल से बनाएंगे। तो मैंने 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी चने की दाल को ले लिया है और इसे अच्छी तरह धोकर 3-4 पानी से सोख करके 4-5 घंटे के लिए रख देंगे। अरवा चावल लेना है आपको, इससे अच्छा बनता है, और अगर नया वाला मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब हम एक चटनी बनाएंगे इसके लिए टमाटर की, जिसे हम लोहे की कढ़ाई में रोस्ट करेंगे। तो आजकल गर्मी के दिनों में टमाटर उतना फ्रेश नहीं आ रहा है, कभी कभी अंदर में ख़राब निकल जाता है, तो इसीलिए हमने होल टमाटर को रोस्ट नहीं किया है, उसे आधा कट करके रोस्ट किया है। इससे पता चल जाता है अगर अंदर ख़राब हो तो भी। तो इस तरह से लोहे की कढ़ाई में डालकर या लोहे के तवे पर भी आप सेक सकते हैं। ढककर 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। इसे टमाटर अच्छी तरह गल भी जाता है और उसमें थोड़ा जो आग पर सेकते हैं वैसा वाला टेस्ट भी आ जाता है। तो दाल और चावल हमारा तैयार हो गया है सोख होकर। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। इसे आप दाल चावल का चीला भी बोल सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाएं। सूजी के चीले और ऐसे आटे के चीले वगैरह तो बनते ही हैं, पर दाल चावल के चीले का एक अलग ही मज़ा है। तो ग्राइंडर जार में हमने पीस लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। अब इसमें नमक टेस्ट के अनुसार, जीरा पाउडर 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, और जो भी डालना चाहें आप हरी सब्जियाँ आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन डाला है, हरा प्याज, और नॉर्मल प्याज भी डाला है कट करके, और थोड़ी सी हरी धनिया भी डाली है। और इसके साथ ही अगर आप पसंद करते हैं तो हरी मिर्च डालें, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो 2-3 हरी मिर्च डाली है काट कर, और खूब ढेर सारा हरा धनिया। इन सब चीज़ों से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। स्प्रिंग ऑनियन तो अभी मार्केट में नहीं मिल रहा है, पर मेरे किचन गार्डन में था थोड़ा, तो मैं ले आई तोड़कर। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हम टमाटर की चटनी बनाएंगे। तो टमाटर के छिलके निकाल कर इसे अच्छे से मसल लें और इसमें थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, हरी धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालें और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालें और नमक डालें टेस्ट के अनुसार। तो पहले ही एक साथ ही हमने सारी काट कर रख ली थी, तो कुछ पार्ट बचा लिया चटनी के लिए, बाकी चीले में डाल दिया है। अदरक और लहसुन थोड़ा थोड़ा डालना है, 4-5 कलियां लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1-2 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल दें, और इसमें मस्टर्ड ऑयल ज़रूर मिलाएं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है चटनी का। तो चटनी रेडी है, अब हम चीला बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक तवा चढ़ाया है मीडियम फ्लेम पर, और ये चीला मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छा बनता है। आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो तवा पर लगा दिया थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत कम तेल में ये बन जाता है। और जो चीले का बैटर है उसे हम स्प्रेड कर देते हैं तवा के ऊपर और इसे ढक देंगे, तब ये जल्दी पक जाएगा। ये बहुत पतला नहीं बनता है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियाँ हम ऐड करते हैं, तो बहुत पतला नहीं बनेगा। अगर गाजर वगैरह है तो वो भी आप ग्रेट करके डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अब इसे ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। जब ऊपर का पार्ट ट्रांसपेरेंट हो जाए तब इसे पलटना है, ये बहुत आराम से पलट जाता है। अब दोनों तरफ से उलट पलट कर हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। जब थोड़ी सी चित्ती आने लगे, मतलब हो गया है ये, तो ये बहुत ही टेस्टी चीला बनकर तैयार है। इसे आप गरम गरम चटनी के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो एक और बनाते हैं हम चीला। तो इसके लिए बैटर को फैला दिया तवे पर, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालकर फिर इसे ढक देंगे और उलट पलट कर थोड़ी देर सेक लेंगे। जब कोई सब्जी ना हो घर में और समझ में नहीं आए तो कुछ अलग खाने का मन करे तो आप ये बनाकर खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसके साथ कुछ सब्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अचार और चटनी के साथ हो जाता है, सॉस वगैरह से भी अच्छा लगता है खाने में।
तो ये चीला हमारा बनकर तैयार है। आप इसे टमाटर की चटनी और आम के कुच्चा के साथ सर्व कर सकते हैं। कुच्चा की रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।